हेलो दोस्तों, तो इस चैप्टर में हम बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, जैसे मास और वेट आपने पढ़ा। मास क्या है? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट। वेट क्या है? द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी सब्सटेंस टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो वेट है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर मीन्स विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, मीन्स वो चेंज नहीं होता। और वेट क्या है? वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। मास की जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है। हालांकि ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए ग्राम में भी लिख देते हैं, लेकिन एसआई यूनिट किलोग्राम ही रहेगी। डेंसिटी के बारे में आपको पता ही होगा, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर मास की बात करें हम, तो इसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की एसआई यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हालांकि फिर से वही बात है कि ये यूनिट बड़ी है, बिग है, इसलिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी ज़्यादातर लैब्स वगैरह में इसको व्यक्त करने के लिए यूज़ हम कर लेते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो तीन स्केल है टेम्परेचर को मेज़र करने के अपने पास। ये है, जैसे यहाँ केल्विन में मैंने लिखा है, तो ये केल्विन स्केल है, ये डिग्री सेल्सियस है, तो ये सेल्सियस स्केल है, ये क्या है? फारेनहाइट, तो ये फारेनहाइट स्केल है। ये तीन स्केल हैं अपने पास। अब आपस में इनका क्या रिलेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हो। इस पे मार्क है, जैसे सेल्सियस स्केल हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है, आप पहले दिमाग में बिठा लेना इनको, जहाँ पर गलती हो सकती है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट हम ये मान लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम यूज़ इसका ज़्यादा करते हैं, लेकिन याद रहे इसकी यूनिट है केल्विन। टेम्परेचर की एसआई यूनिट है केल्विन। दूसरी बात इसके बारे में कि ये डिग्री नहीं लिखा जाता इसमें, जैसे हम लिखते हैं ना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ये 25 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट में भी ऐसे ही करते हैं, 32 डिग्री, लेकिन केल्विन में कभी भी डिग्री का यूज़ नहीं किया जाता है। अगली बात, सेल्सियस आप नेगेटिव वैल्यू भी ले जाते हो, कि कहीं आप हिल स्टेशन पर गए, वहाँ का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस। केल्विन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, यह आपको याद रखना है। अब इनको अगर रिलेट करके देखें, सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल को, तो 0 डिग्री सेल्सियस ये फारेनहाइट किसके बराबर है? 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्विवेलेंट है? 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है। ये किस बेस पे है? ये फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। रूम टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर जिसको आप बोलते हो, 25 डिग्री सेल्सियस है। फारेनहाइट पे कितना है? 77 डिग्री फारेनहाइट है। 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। इसको अगर फारेनहाइट में बदलें, तो फारेनहाइट कह लो, हाइट जो भी आप उच्चारण करते हो, फारेनहाइट वैसे ज़्यादा ठीक है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। 100 डिग्री सेल्सियस ये क्या है? ये है बॉयलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये दो स्केल के बीच में, यानी कि ये जो मेन हमने इसको प्रदर्शित किया, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब 100 डिग्री जो है ये किसके बराबर है? 212 डिग्री फारेनहाइट। अगर केल्विन की तरफ आ जाएं, तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर है। 25 इतने के बराबर है, 298। 37 301 केल्विन के बराबर है। 100 373 केल्विन के बराबर है। अब जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो एक दूसरे में इनको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आपको याद रखना है केल्विन को कैसे, केल्विन क्या होता है? जितना भी डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है, उसमें आपने 273 जोड़ देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? केल्विन आ जाएगा। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस था, केल्विन निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे आप? 273 जोड़ दो, ऐड कर दो, 298 केल्विन आ गया। अब इसी तरह से अगर आपने निकालना है डिग्री फारेनहाइट, अब डिग्री फारेनहाइट अगर आपको निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? डिग्री फारेनहाइट किसके बराबर है? 9/5
ब्रैकेट में डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ होगा प्लस 32। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इनको कन्वर्ट करने के लिए। ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर या स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, मीन्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, वो क्या है, टेम्परेचर है। तो ये मास, वेट, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सारी कुछ बेसिक सी बातें हैं। अब हम निकालना सीखेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप कैसे निकालेंगे किसी भी सब्सटेंस की, या उसके अंदर एटम्स एलिमेंट्स की आपसे पूछ लें तो कैसे आप उसको निकाल सकते हैं। तो मास परसेंट कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो आपको याद रखना है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, जिस एलिमेंट की आप निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, एलिमेंट कहाँ मिलेगा आपको, कंपाउंड के अंदर, तो उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना वेट है, यानी कि मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन टोटल मास कितना है उस कंपाउंड का, टोटल मॉलिक्यूलर मास इन 200। इस फॉर्मूले से आप मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, अपने पास कंपाउंड है H2O वाटर, यहां हमसे पूछ ले कि हाइड्रोजन का मास परसेंटेज क्या है, ऑक्सीजन का मास परसेंटेज क्या है, ये आपको बताना है। तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, देखिए कैसे करेंगे आप बताइए, फॉर्मूला है H2O, तो दो हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो ये 2 होगा टोटल हाइड्रोजन का मास, अपॉन टोटल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, देखिए H2O 2, ये ऑक्सीजन का कितना है 16, टोटल है 18, तो ये इनटू आप क्या करेंगे 100, यहां से ये आपका हाइड्रोजन का मास परसेंटेज आ जाएगा। आप इसको कट करेंगे 9 यानी 11 पॉइंट समथिंग कुछ आपके पास ही आ जाएगा। इसी तरह यहीं पर हमसे पूछ लिया मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे आप, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितने हैं ऑक्सीजन, एक ही है, ठीक है कोई चक्कर नहीं, एक ही है, तो अपॉन टोटल कंपाउंड का मोलर मास कितना था 18 इंटू 100, ये आ जाएगा आपके पास, सॉल्व करेंगे ऑक्सीजन का परसेंटेज मास। अब एक और एग्जांपल, जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, कंपाउंड आपको दिया हुआ है C2H5OH, इसमें आपको मास परसेंटेज निकालना है किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। कैसे करेंगे, पहले तो टोटल की जरूरत पड़ेगी हमें, टोटल करके देख लेते हैं। कार्बन है 2, तो ये एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, 2 का कितना होगा 24, प्लस 5 ये है, ऑक्सीजन है 16, एक हाइड्रोजन ये है, तो ये कितना होगा टोटल, आप देखिए ये हो जाएगा 46, क्योंकि 516 ये 30 इंटू 16 46 आ गई। तो अब हमसे पूछ लिया परसेंटेज ऑफ कार्बन, अब कार्बन का देखिए कितना है, एक कार्बन का 12 है, लेकिन कितने हैं आपके पास 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो ये कार्बन का होगा, अपॉन यानी कि कार्बन का निकालना है तो कार्बन का मास अपॉन टोटल, टोटल कितना है 46, परसेंटेज के लिए क्या करें 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हमें हाइड्रोजन, यहां पर गौर करना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो देखिए 5 तो यहां है हाइड्रोजन, एक ये भी तो हाइड्रोजन ही है, तो टोटल कितना हो गया 6, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक है, 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गए, अपॉन 46 इंटू 100। इसी तरह अगर ऑक्सीजन का आपने निकालना है तो क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है 1 है, तो 16 अपॉन 46 इंटू 100। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड आपको दे रखा है तो आप उसका मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं आप। अब बहुत बार क्या करते हैं, सॉल्यूशन के केस में आपसे पूछ लेते हैं मास परसेंट, मास
परसेंट। तो आपको याद रखना है, जैसे सोल्यूट के लिए पूछ लें तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अक्सर तो हम ये कह देते हैं कि जो लेस अमाउंट में है वो सॉल्यूट है, मोर अमाउंट में है वो क्या है, सॉल्वेंट है। लेकिन हमेशा ये बात सच नहीं होती। एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि जो घुल जाता है किसी दूसरे के अंदर वो क्या होता है, सोल्यूट, और जो दूसरे को घोल लेता है अपने अंदर वो क्या होता है, सोलवेंट, और दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये कोई साइंटिफिक नहीं है कि लेस अमाउंट मोर अमाउंट, ऐसा नहीं होता। जैसे हनी है, शहद है, उसमें शुगर ज़्यादा मात्रा में है और सोल्यूट है। तो आपको याद क्या रखना है कि सोल्यूट वो है विच इज डिजोल्व इन टू द अदर, और सोलवेंट क्या है, विच डिजोल्व द अदर, और सोल्यूशन क्या है, सोल्यूट और सोलवेंट के मिलने से जो बनता है ये। एक और बात सोल्यूशन के बारे में यहीं पर आप याद रख लें, आगे तक काम आएगी आपके। सोलवेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। ये ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लेते हैं, बहुत बार आते हैं। कुछ भी आपको दो कंपोनेंट कह देंगे, एक ए है एक बी है, एक का बॉइलिंग पॉइंट है 42 डिग्री सेल्सियस और एक का है 76 डिग्री सेल्सियस, बस और कुछ नहीं बताया, और आप पूछ लिया बताइए इनमें से सॉल्वेंट कौन सा है। तो आपको याद रखना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। इस तरह से, खैर यहाँ पर अपना टॉपिक था मास परसेंटेज निकालने का, तो किसी की भी बिल्कुल आसान सी बात है, इसको आप निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे बेसिक सी चीज़ों की, जैसे नॉर्मलिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, इक्विवेलेंट वेट तो खैर प्रीवियस वीडियोज़ में हमने देख लिया है।